आप सबका इजी लर्निंग विद इसकी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो कि हमारे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हमें अपनी कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्ट्स है इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना कुछ देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? जो भारत है हमारा देश, उसे आज़ादी इंडिपेंडेंस कब मिली? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो करेक्ट आंसर इज़ 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो भारत के हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम क्या था? द करेक्ट आंसर इज़ जवाहरलाल नेहरू। भारत को आज़ादी मिलने के बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे हमारे देश के वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? अब इस सवाल में आपको ये बताना है कि आज़ादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कौन चुने गए थे इंडिया के? आंसर आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडिया? फादर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है किसे दिया गया है, किसे फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज़ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ये है कि इस तरह के सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से पूछे जाते हैं और आप अपनी नॉलेज के लिए भी इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वेयर डिड नेहरू प्रेज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947? जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे पहले झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 को, वो कहाँ पर रेस किया था? तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ आपको। आंसर इज़ रेड फोर्ट। लाल किले पर सबसे पहले नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को भारत का झंडा फहराया था। नेक्स्ट इज़ हु वॉज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब भारत आज़ाद हो गया था तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर इज़ सी राजा गोपालाचारी। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट सारे जहाँ से अच्छा? जो सॉन्ग है सारे जहाँ से अच्छा, इसके राइटर कौन है, इसे लिखा किसने है? ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग है जो कि हम स्कूल्स में बहुत ज़्यादा गाते भी हैं। इसके राइटर हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल रोट सारे जहाँ से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? आंसर इज़ गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। नेक्स्ट, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन किसने किया है? अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसे किसने लिखा है? आंसर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट इज
नेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का, इंडिया का जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम क्या है? आंसर आपकी स्क्रीन पर है, वंदे मातरम। वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ हु रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है, बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो क्या है? तो इसका आंसर है 3:2। 3:2 इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु गेव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट जो स्लोगन है, ये किसने दिया था? उस इंसान का नाम क्या था? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गेव दिस स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु कॉल्ड गांधी एज महात्मा। गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है वो किसने दिया था? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड गांधी एज महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज नेताजी। नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। नेताजी जो टाइटल दिया गया वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस इज़ नोन एज नेताजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का आयरन मैन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। किसने स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो? इस स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया। फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर आपकी स्क्रीन पर है, खान अब्दुल गफ्फार खान इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन तिरंगा कौन फहराता है? जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन फहराता है? जैसा कि हम सब ने अपने टेलीविजन सेट्स पर और रेड फोर्ट पर भी देखा है, भारत का झंडा जो है इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हुई होगी, क्योंकि इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।